हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन सीन। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो आर्किटेक्चर के बारे में होने वाली है कि आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर कौन होते हैं, आप आर्किटेक्चर कैसे बन सकते हो, कैसे इसमें करियर बना सकते हो आगे चल के। आर्किटेक्चर से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। अभी इसके ऊपर वीडियो आ चुका है। तो गाइस, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर में और फाइन आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। होते हैं आर्किटेक्चर बेसिकली हाउस हो गया, या फिर घर हो गए, या फिर बिल्डिंग्स हो गई, या फिर हॉस्पिटल, जो भी आप देखते हो नॉर्मली। जितने भी बिल्डिंग से रिलेटेड काम हो गया, या जितना भी हाउस, घर, अपार्टमेंट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, जब ये घर बनते हैं तो इन घर के जो डिज़ाइनिंग होती है, पहले तो इनका ही ब्लूप्रिंट्स वगैरह बनते हैं, पेपर्स वगैरह पे बनते हैं। इन घर की डिज़ाइनिंग जो होती है वो एक आर्किटेक्चर द्वारा होती है। आर्किटेक्चर जो है पहले इनको पेपर पे अच्छे से बनाता है, फिर इनकी डिज़ाइनिंग करता है। कंप्यूटर पे भी जो है इनकी डिज़ाइनिंग होती है, एनिमेशन के थ्रू भी इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह देखी जाती है। 3D मॉडलिंग भी आ गई है अब तो आर्किटेक्चर में। इस तरीके से जो सारी थॉट प्रोसेस होती है, कैसे क्या क्या बनाना है, ये सब जो है आर्किटेक्चर का काम होता है। उसके बाद सिविल इंजीनियर के साथ मिलके ये लोग काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना हो गया। आर्किटेक्चर का काम होता है बेसिकली उसका जो है पूरा मैप बना दिया, रोड मैप बना दिया उसका। और सिविल इंजीनियर का काम होता है कि उसको जो है बिल्डिंग को जो है बनवाना। फिर मजदूर वगैरह जो है जाते हैं और बिल्डिंग को जो है बनाते हैं। और आर्किटेक्चर भी बीच बीच में देखता रहता है कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दोनों मिलके जो है आके जाके काम करते हैं। फिर इसमें जो अब इंटीरियर जो डिज़ाइनर होता है उसका क्या काम होता है, वो बेसिकली घर के अंदर का डिज़ाइन करता है। घर के जो भी अंदर की चीज़ें होती है, इंटीरियर वगैरह, इन सबको डिज़ाइन करता है। ये बेसिकली आप तीन चीज़ें मान सकते हो। अब आर्किटेक्चर के ऊपर वीडियो बन रही है, हम आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे। आर्किटेक्चर के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है, देखो सबसे पहले आपके पास क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, साथ साथ में आपको थोड़े बहुत ड्राइंग स्किल्स भी चाहिए। ड्राइंग स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम जो काम होता है बेसिकली सारा स्केल के थ्रू होता है। फाइन आर्ट्स में देखो और आर्किटेक्चर में डिफरेंस ये है कि फाइन आर्ट्स के अंदर आप जो है विदाउट स्केल काम करते हो, और आर्किटेक्चर में आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ पे आपको स्केल का यूज़ करना ही पड़ेगा। और आर्किटेक्चर में बहुत हद तक साइंस और मैथ का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, और आपकी जो है फिज़िक्स वगैरह, साइंस वगैरह, मैथ वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आर्किटेक्चर में जो है करियर बनाने के लिए। देखो क्या होता है कि आर्किटेक्चर अगर आप बनना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट अगर आप पोर्ट्रेट्स बनाने में है और पेंटिंग्स वगैरह करने में है, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा सलाह मिलती है कि आप आर्किटेक्चर बन जाओ। लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका बेसिकली जो है इंटरेस्ट की चीज़ में। अगर आपको हाउस वगैरह या घर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है तो आर्किटेक्चर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग सकता है आर्किटेक्चर बनना। लेकिन अगर आपको हाउस वगैरह बनाने में अच्छा लगता है और इस तरह की डिज़ाइनिंग में अच्छा लगता है, आप जो है आर्किटेक्चर के लिए जा सकते हैं। प्लस आपका मैथ जो है स्ट्रॉन्ग होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आर्ट में अगर पेंटिंग फाइन आर्ट्स के अंदर करियर में जा रहे हो तो इतनी ज़्यादा इसमें मैथ की या इस तरीके की पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। साइंस रिलेटेड, साइंस इंक्लूडेड है आर्ट के अंदर और थोड़ी बहुत मैथ्स भी होती है, लेकिन मैथ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आर्किटेक्चर के अंदर है। फाइन आर्ट्स के अंदर बेसिकली सारा काम आपके अंदाजे के ऊपर होता है। अगर आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आपको अपने अंदाजे पर बनाना है, कोई घर बना रहे हो तो आपको वो अंदाजे पे छोटा बड़ा लेके चलना है। बेसिकली एकदम एक्यूरेसी नहीं होगी तो चलता है काम, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर आर्किटेक्चर में अगर आप अपने मन से बना रहे हो और उसमें अंदाज़ा लेके चल रहे हो तो वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको एकदम एक्यूरेसी चाहिए, जिसके लिए आपको स्केल्स वगैरह यूज़ करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप घर वगैरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हो और थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ आप पेंटिंग बना रहे हो ना, लेकिन आप रियल में आप जो है घर बना रहे हो सिविल इंजीनियर के साथ मिलके, उनको एक रोड मैप बना के दे रहे हो कि आपको ऐसे ऐसे घर बनाना है। इसमें भी दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, एक तो होता है रेजिडेंटल आर्किटेक्चर, दूसरा होता है हमारा कमर्शियल आर्किटेक्चर। रेजिडेंटल आर्किटेक्चर होते हैं और कमर्शियल आर्किटेक्चर होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो रेजिडेंटल आर्किटेक्चर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो छोटे लेवल पर थोड़ा काम करते हैं, यानी कि थोड़ा सा स्मॉल एरियाज वगैरह में काम करते हैं। उनका काम भी होता है जैसे हाउस वगैरह बनाना, अपार्टमेंट्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह, इन सब की जो है डिज़ाइनिंग करना, बेसिकली ऐसी चीज़ें जहाँ पे रहने के लिए जो चीज़ें होती हैं, घर वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ इनका जो है ज़्यादा काम होता है। दूसरा जो कमर्शियल आर्किटेक्चर होते हैं, इनका जो बेसिक उनका जो है लार्ज स्केल पर ये लोग काम करते हैं, जैसे कि आपका
हॉस्पिटल हो गया या फिर रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें मतलब जहाँ पे बिजनेस आ रहा है, जहाँ पे भी बिजनेस हो रहा है, मान के चलो कोई रेस्टोरेंट है, बिजनेस के लिए काम कर रहा है, रहने के लिए तो नहीं करना, सारा काम बिजनेस के लिए हो रहा है। सो वहाँ पे जो भी चीज़ बिजनेस से जुड़ी हुई है, कोई भी ऐसी फ्लैट है, कोई भी बिल्डिंग जो बिजनेस करने के लिए बनाई जा रही है, वहाँ पे कमर्शियल आर्किटेक्चर आ गया। और जो रहने के लिए हाउसेस वगैरह घर बन रहे हैं, वो उसमें आपका जो है रेजिडेंटल आर्किटेक्चर आ गया। रेजिडेंटल सीधा साधा हिसाब है दोनों का, रेजिडेंटल जो होता है वो रहने के लिए काम करते हैं, रहने घर वगैरह बनाने के लिए, और कमर्शियल जहाँ पे बिजनेस वगैरह आ गया, जहाँ पे पैसा वगैरह बनाना है, वहाँ पे हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, मेट्रो स्टेशन हो गए। सो यहाँ पे सारे कमर्शियल आर्किटेक्चर के द्वारा जो है काम होता है। अब आर्किटेक्चर तो इसलिए भी ज़रूरी है, जाहिर सी बात है कि अगर आप पुरानी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ें, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा हाईली एडवांस था उस ज़माने में भी। पिरामिड्स वगैरह को देख लो, जिनकी जिन लोगों ने उसको डिज़ाइन किया है, वो आर्किटेक्चर उनका दिमाग कितना तेज़ होगा, किस तरीके से उन्होंने वो जो है बनाया होगा कि उसके अंदर जो है गर्मी नहीं लगती है और बाहर धूप रहती है। सो इस तरीके की आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग होती है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि इस तरीके की आपको बिल्डिंग्स बनानी है। सो ये सब चीज़ें भी होती हैं आर्किटेक्चर के अंदर, क्रिएटिव वर्क्स भी होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। कुछ ऐसी क्रिएटिव बिल्डिंग्स आप देखते हो आजकल, कुछ एडवांस बिल्डिंग्स हो गई हैं। और आर्किटेक्चर में देखो, पहले क्या था, पहले भी तो गुफाओं वगैरह में रहते थे ना, आर्किटेक्चर्स की ज़रूरत क्या थी, आर्टिस्टों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो इसीलिए पड़ी थी क्योंकि पहले गुफा वगैरह में रहते थे, अब उसके बाद घर वगैरह ये सब बनाने चालू किए। सो धीरे धीरे आर्किटेक्चर जो है बनते चले गए, फिर इसके ऊपर नॉलेज बनी, इसके ऊपर जो है डिग्रियाँ होने लगी आजकल के टाइम पे। अब आप देखोगे कि आर्किटेक्चर की जो डिमांड है वो इन फ्यूचर भी कम नहीं होगी और आगे भी फ्यूचर में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हाँ, आपको जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है साथ साथ में बढ़ाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो आर्किटेक्चर में बहुत तरह तरीके की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। किस तरीके की बिल्डिंग्स जो है आजकल बन रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो किस तरीके से देखो, किस तरीके से उसमें दिमाग लगाया जाता है कि इस तरीके की बिल्डिंग्स किस तरीके से वो आर्किटेक्चर बना पा रहा है। तो ये सब क्रिएटिविटी है, साथ साथ में बहुत हाईली लेवल की नॉलेज है, हाई लेवल का दिमाग इसमें लगा हुआ है। अब हम देखते हैं एजुकेशन वाला पार्ट, देखते हैं आर्किटेक्चर का, कि आप आर्किटेक्चर बन कैसे सकते हो, इसका रोड मैप क्या है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा आर्किटेक्चर जो है बनने के लिए। देखो, आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको सिंपली 12th में पहली बार तो आपके 50% तो मिनिमम जो है होने चाहिए आर्किटेक्चर के आगे की पढ़ाई करने के लिए। साथ में आपके पास कुछ बेसिक जो मैथ हो गई, फिजिक्स हो गई, ये सभी जो है सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैथ, फिजिक्स वगैरह, साइंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट हो गए, ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। साथ साथ में या तो फिर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह करा हो, इसमें आपका मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, इस तरह का आपने कोई डिप्लोमा कराओ। सो उसके बाद जो है 12th करने के बाद जो है आप आर्किटेक्चर की डिग्री कर सकते हो। बी आर किस्म एक डिग्री होती है, 5 साल का आपका डिग्री कोर्स है, और 5 साल का डिग्री कोर्स है। सो इसके अंदर आपके 10 सेमेस्टर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है आर्किटेक्चर से रिलेटेड। पहले ईयर में तो आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद सेकेंड ईयर से जो है आपका एडवांस लेवल चालू होता है। और इसके अंदर MR कर सकते हो आप, PGD PD भी कर सकते हो, और इसके बाद आप PhD भी कर सकते हो चाहो तो आर्किटेक्चर में। साथ साथ में आप चाहो तो 12th के बाद जो है आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो, उसके 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज भी वगैरह होते हैं। लेकिन जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की जाती है 5 साल के अंदर। जो मेन प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो आपको डिग्री वगैरह में करवाई जाती है, और डिप्लोमा, बहुत सारे डिप्लोमा वगैरह भी होते हैं उसके 3 साल के, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों से ही आर्किटेक्चर की डिग्री कर सकते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको जो है कुछ एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। एक तो आपका नाटक का हो गया, नाटक आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ से जो है आप आर्किटेक्चर की डिग्री वगैरह कर सकते हो। और अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जॉब्स वगैरह जो है और क्या क्या इसमें करियर ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या जो है इसमें आगे जाके बन सकते हो। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, आर्किटेक्चर के ऊपर जो मैंने आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको अपने सारे सवालों के जो है जवाब आप मिल चुके होंगे। और गाइस आगे जाके मैं जो है एक पॉडकास्ट भी ज़रूर करूँगा आपके लिए, एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर के साथ। अगर आप कोई आर्किटेक्चर हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या अगर आप किसी आर्किटेक्चर को जानते हैं,
सो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम जो है पॉडकास्ट करेंगे आर्किटेक्चर के ऊपर, ताकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं आर्किटेक्चर के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है और किस तरीके से पढ़ाई होती है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं और क्या क्या कॉलेजेस वगैरह में चल रहा है आजकल आर्किटेक्चर के बारे में। सो वो कोई एक प्रोफेशन आर्किटेक्चर ज़्यादा अच्छे से बता सकता है इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को। और उसमें हम काफ़ी सारी बातें डिस्कस भी करेंगे पॉडकास्ट के अंदर, फाइन आर्ट से रिलेटेड और आर्किटेक्चर से रिलेटेड, दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, लेकिन और थोड़ा डिटेल में जो है पॉडकास्ट लेंगे। अगर आप कोई आर्किटेक्चर हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे मेरा डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दे दिया है मैंने। और गाइस, अगर आप किसी आर्किटेक्चर को जानते भी हो तो आप उसके साथ जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दूसरा गाइस, आप जो है ये वीडियो अपने सभी आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनको भी इस वीडियो की जो है ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है आर्किटेक्चर में और फाइन आर्ट से रिलेटेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सो इसको ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखें, क्योंकि मैं जो है अपने चैनल पे एग्जीबिशन, आर्ट से रिलेटेड जो इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं उस पर भी जो है मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अब उसमें कुछ डेट फिक्स होती है, अगर वो डेट जो है आपको उसी टाइम पे मिल जाए, सो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि वो जो वीडियो है वो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए और आपसे कोई भी इवेंट्स वगैरह जो होते हैं आर्ट से रिलेटेड वो मिस ना हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।